नमस्कार रागगिरी गिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा परिचय तो ये है कि वो बांसुरी वादक हैं बहुत कमाल के बांसुरी वादक हैं लेकिन ये तो बड़ा परिचय हुआ इस परिचय के अंदर जैसे हम परीक्षा में एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग लिखते थे तो वैसे इनके परिचय की बहुत सारी सब हेडिंग्स भी हैं जो इस इंटरव्यू में निकल कर आएंगी और जब हम बातचीत करेंगे तो लेकिन परंपरा यह कहती है कि सबसे पहले अश्विन जी का स्वागत किया जाए अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हो। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और बाकी सारे सभी प्रेक्षकों का उनको नमस्ते करता हूँ तो अश्विन जो पृष्ठभूमि है परिवार की और परिवार में जिस तरह से संगीत के संस्कार रहे हैं मतलब पंडित रविशंकर जी की जो थॉट प्रोसेस है उससे आपकी माता जी का सितार वादन रहा हो उसमें आ, आप जब छोटे थे तो ये जो सीखने की शुरुआत थी उसके दो विकल्प क्या थे पहला विकल्प ये था कि माँ ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा बैठ जाओ सीखना है या दूसरा आपने माँ के पास जाकर कहा कि माँ प्लीज मुझे सिखाना शुरू कर दो मुझे भी ये जो आप बजाते हो ये संगीत बहुत अच्छा लगता है कौन सा विकल्प ज्यादा सही है बल्कि दूसरा और उसमें भी मुझे कहना नहीं पड़ा जब मैं कहने के काबिल हुआ उसके पहले ही आई थिंक शुरुआत तो मेरे नाना जी ने इस बात को बहुत ध्यान से बताया कि माँ जब मैं कोक में था तभी वो रियाज जारी रखें ताकि उसका मुझे साउंड मुझे सुनता सुनाई दे और आई थिंक छः छः सात महीने की उम्र में जब बच्चे पलटते हैं तो उस समय बल्कि वैसे भी रेडियो और एल पी डिस्क तो चलते ही थे घर पे तो उससे अपेरेंटली माँ ने मुझे बताया मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे सुर मिलाते हुए मैं आवाज लगाता था आ, आ, तो वो खास करके वो इमामी का एक जिंगल था इमामी तो मैं आ करके गाता था ऐसे माँ बोलती थी शायद ये सच भी है आ, पर तभी से रुचि संगीत में मेरे अंदर संगीत में रुचि उन्होंने देखा और दोनों ही माँ और पिताजी दोनों ने ही दोनों ही संगीतमय हैं माँ तो प्रोफेशनली थी ही पर पिताजी भी बहुत नेचुरल म्यूजिक उनके फैमिली में मेरे दादाजी के बड़े भाई पंडित पंडित ने विद्वान अन्ना स्वामी बागवतर दक्षिण भारत के बहुत बड़े हरि कथा आ, के एक्सपोनेंट थे और शुरुआत हिंदुस्तान के पहले कुछ पद्मश्रीओं में से उनका नाम आता है तो घर पे तो संगीत था और पिताजी नेचुरली वो भी म्यूजिकल थे तो वो माहौल कभी मुझे नया नहीं लगा तो मैं कहूँगा कि इसे इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया मुझे मैं उसी के अंदर तैरते हुए निकला हूँ ऐसे मुझे लगता है बिल्कुल और आ, मतलब इसको कहना चाहिए कि ये बहुत खुश नसीबी है आपकी सौभाग्य है आपका और आप जब जब बड़ा कोई कलाकार आके पीठ थपथपाता होगा और कुछ सुनने के बाद वाह करता होगा आशीर्वाद देता होगा तो मुझे लगता है कि उसकी जो जड़ है वो उस उस कोख में ही है जहाँ से आपको वो संगीत अप्रत्यक्ष रूप से आप तक जा रहा था इस इस लेकिन अश्विन मुझे ये बताइए कि आ, संगीत तो हो गया माँ भी सिखा रही है या माँ ने भी समझ लिया कि संगीत सीखेगा पिताजी का भी सपोर्ट रहा तो ये जो बचपन की है, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि जो हमारे घर के बच्चे सामान्य घरों के बच्चे हैं जिनमें संगीत परंपरागत नहीं है वो भी कम से कम ये समझे कि सीखा जा सकता है मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे भी सीख सकते हैं तो आप बदमाशी बदमाशी बचपन में कर पाते थे या बिल्कुल सिर्फ संगीत में ही रह गए मैंने बदमाशी अगर कहूं तो आ, वैसे खास तो नहीं करा मैंने मैं बहुत सीधा था अब बल्कि बदमाश हो गया हूं मैं <laughs> पर वो तो दुनिया ने बना दिया मुझे एक, उसके क्या कहते हैं anyway, एनीवे so, सो पिताजी जब आई वाज आई थिंक पांच चार पांच साल का था तब आ, हमारे यहाँ परंपरा है इधर शबरीमाला जाने की यात्रा तीर्थ यात्रा करने की तो वो वहां जाके उसके दौरान तीस दिन यू नो आदमी को सेलिब्रेट रहना पड़ता है और भजन करना पड़ता है और उनके ग्रुप में वो फिफल फ्लूट कहते हैं हमें हमारे यहाँ ऐसी जो बस्ती है फ्लूट तो वो एक उठा ले आए और पिताजी तो नेचुरल थे ही वो मोतार्गन बहुत अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम बचपन में उनके घर पे जब पड़ी थी तो उन्होंने उसको उठा के नेचुरली करना सीखा तो वो बजाते थे और शर्ज का पोजीशन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली अभी हम पंचम के पोजीशन से बजाते हैं उस पोजीशन से उन्होंने माना उनके कान को जो ठीक लगा बिलावल ठाट मिलता है उसमें से तो उन्होंने लगा कि ये सारे नहीं सर तो भजन उनका हो गया वापस भी आ गया और वो मुझे दे दिया कि तुम्हारे लिए खिलौना है अब उसको मैंने भी नेचुरली अपना लिया सितार तब जारी था मेरा पर मां डांटती थी तो मैं उनके डांट के सुरावट को मैं मिमिक्री करता था बन सके अब इसे आप बदमाशी कह लीजिए <laughs> ये ये म्यूजिकल बदमाशी है। <laughs> तो वही पहले तो चिड़ती थी बाद में हंसने लगती थी फिर उनको ये भी लगा कि यार ये तो का पक्का है उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध स्वरी लग रहे हैं या स्केल के ही स्वर लग रहे हैं इन बिटवीन जो श्रुतियां लगती है त र उन्हीं को बजा लेता ऐसे ये चलता था तो आई सबकॉन्शियसली मैंने डिस्कवर किया कि ये तो पूरा ही माइंड हो सकता है इसमें सो so, वैसे भी हुआ है बदमाशी की बदमाशी की बात अगर करें तो जो सब्सक्राइबर्स थोड़ा म्यूजिक के ग्रामर को कम समझते हैं उनको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो अश्विन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए माँ ने डांटते हुए क्या डांटते हुए कहा कि क्या बदमाशी कर रहे हो तुम्हें तमीज नहीं रहा, है रहा, 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 रहा। तो उन्होंने उसको भी म्यूजिक में बांसुरी में बजा कर दिखाया जो निश्चित तौर पर शुरुआत में किसी भी माँ को झुंझलाहट ही देगा लेकिन फिर जब उन्हें ये समझ में आया कि ये ये डांट को भी संगीत में ले जा रहे हैं तो उन्होंने निश्चित तौर पर उनको भी हंसी आई और फिर वो लाड़ प्यार तो हुआ ही होगा स्कूल में तो कभी स्कूल में कभी इस बात का फायदा मिला कि म्यूजिकल फैमिली से है बच्चा अच्छा बजाता है इसको जरा पढ़ाई के लिए प्रेशर कम डालो थोड़ा अगर पढ़ने में पांच दस नंबर एक्स्ट्रा भी देने तो दे दो कभी हुआ है तो नहीं किया वो तो नहीं किया पर उन्होंने दुश्मनी बहुत हो गई थी कि मैं टीचर्स पेट था मैं स्कूल कैप्टन रहा हूँ स्कूल परफेक्ट रहा हूँ हाउस कैप्टन रहा हूँ तो मुझे वो लीडरशिप के लाइन में बहुत मुझे धकेला गया बल्कि मैं आई वॉज इट और स्टेज uh, प्रोग्राम्स में भी साउंड सेट करने से लेके एक तरफ हारमोनियम एक ही गाने में हारमोनियम पार्ट बजाते हुए फिर फ्लूट का अपना पार्ट बजा के तबला भी बजाता था कॉन्ंगज बजाता था तो कि इंटरेस्ट बहुत थी मुझे और साउंड सेट करना बैलेंस सेट करना फीडबैक कैसे अवॉइड करना ये सब स्कूल में देख देख के सीख के उस चीज़ को वहीं से करने लग गया था तो आई वॉज टीचर्स पैट प्रिंसिपल ने यहाँ तक तो बताया कि टेंथ हमारे मैं जिस स्कूल uh, में पढ़ता था टेंथ मैंने जहाँ से किया था वहां पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम थी इलेवन्थ और तो ट्वेल्थ में और मैंने बहुत स्ट्रांगली कॉमर्स चूज किया था तो मैं स्कूल शिफ्ट किया मैं के वी प्रोडक्ट केंद्रीय विद्यालय का हूँ तो ट्रांसफर इजिली हो गया पर प्रिंसिपल मेरे घर आके उस दिन मैं छत पे जाके छुप गया प्रिंसिपल की स्कूटर देखी सर की स्कूटर देखी तो मैं छुप गया तो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी तो वो पिताजी से पौना एक घंटा बात करके गई कि इसको बोलिए कि साइंस स्ट्रीम इतना होनहार बच्चा है तो प्लस हमारे स्कूल के लिए एसेट है तो ये यू नो इट्स इट्स अ लॉस फॉर अस कि उसे बताइए कि वो यहीं कंटिन्यू करें तो पिताजी ने बोला तो वो तो अपने मर्जी का मालिक है वो मेरी नहीं सुनता आपकी भी नहीं सुनेगा उसको अगर कॉमर्स uh, ही uh, करना है तो फिर उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा बट आपका बहुत धन्यवाद आप आए और मैं ऊपर से छत से देख रहा हूँ कि उनकी स्कूटर कब गई और फिर मैं नीचे कब आऊंगा सो ये हुआ था सो यस आई आई मेड अ फ्यू एनिमीज uh, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जलने लग गए थे और मैं डरपोक भी था बहुत बचपन में तो वो चीज़ शायद उस चीज का अब उल्टा असर पड़ गया है कि मेरे अंदर से डर निकल गया जब मैं बॉम्बे आया 99 में डर मेरे अंदर से निकल गया और उसका मेरे म्यूजिकलिटी पे बहुत पॉजिटिव असर गिरा कि मैं किसी भी चीज़ को ट्राई करने से मैं संकोच नहीं करता सो so, uh, अच्छा ही हो गया मुझे लगता है उससे चलिए हम हमारे और आपके में एक समानता अभी तक की बातचीत में समझ में आ गई कि आप 99 में मुंबई आए और मैं 99 में इलाहाबाद से दिल्ली आया था अरे वाह खैर <laughs> मैं जो अगले सवाल पे आ रहा हूँ वो थोड़ा गंभीर किस्म का सवाल है अश्विन जिस उम्र में आप बात कर रहे हैं कि म्यूजिक का इतना क्रेज की हारमोनियम भी बजा लिया तबला भी बजा लिया म्यूजिक सेट कर दिया घर पे रियाज चल ही रहा है घर पे सीख ही रहे हैं परिवार में संगीत की परंपरा है ही क्या इन सारी चीजों को मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके डिसिप्लिन से जोड़ सकता हूं क्या आपको आज ये लगता है कि आप अपने पियर जो ग्रुप था उसमें डिसिप्लिन के मामले में उनसे बेहतर थे क्या आज आप ये आपको लगता है कि आपके साथ उस उम्र में बच्चे जो बदमाशियां करते हैं जिस तरह की गलत संगत में चले जाते हैं कई बार उन सब चीजों से आप बचे रहे और उन उन सब चीजों से बचाए रखने वाली जो मूल चीज है वो संगीत थी संगीत थी माँ पिताजी के संस्कार थे वो दोनों जैसे शख्सियत उनकी इतनी प्योर थी कि नॉट बिकॉज वो मेरे माँ बाप हैं पर मैंने बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं जिनके अंदर इतनी अच्छाई है उनकी सिखाई हुई वो बातें मैं आज भी सबकॉन्शियसली बहुत पालता हूँ कि मैं आ, किसी का बुरा नहीं चाह सकता चाहकर कर भी नहीं चाह सकता मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा ये इसमें बुरा नहीं चाह रहा ये शायद इनका नजरिया अलग होगा पर वो मैं कर नहीं पाता वो चीज को या शॉर्टकट्स नहीं आते मुझे मुझे हर चीज की तह तक जानी होती है वो मेरे पिताजी का टेक्निकल ब्रेन इंजीनियर है वो तो आ, उन्होंने भी बचपन से ही मैं वो स्कूटर रिपेयर करने बैठते थे तो बाई द टाइम आई सिक्स सेवन ईयर्स ओल्ड मेरे हाथ में वो आ, टूल्स देना और ये ये मुझे अगला ये चाहिए वो मुझे देखते नहीं थे जैसे सर्जिकल प्रोसेस होता है ना जो हॉस्पिटल में वैसे वो करते थे कि मुझे अभी ये नोज प्लायर चाहिए आठ नंबर का स्पैनर चाहिए तो एंड तीसरे चौथी बार तक तो मैं रेडी हो गया था कि इसके बाद ये नट का आठ नंबर होगा इसका ये होगा सो मेरा भी ब्रेन ग्रास्पिंग में बहुत पावरफुल था उस टाइम आई थिंक आई वॉज ओनली लकी आई शुड से ऊपर वाले की दया भी थी और इन दोनों के जेनेटिक्स में वो चीजें ऐसे मिलकर आई हैं मेरे लिए और दोनों ही चीजों का योगदान रहा म्यूजिक तो था ही म्यूजिक की जो परिभाषा है उसमें क्या जैसे आ, प्रोसेस एक ग्राफ का होता है आलाप हुआ उसके बाद फिर जोड़ हुआ अगर तंथकारी बजा रहे हैं या गायकी बजा रहे हैं तो ख्याल में बढ़त तो उसकी विस्तार में एक, उसका एक इज अ मेथड टू द मैडनेस वो जो मेथड है वो पहले मुझे जल्दी समझ में आ गई तो उसकी एक्सटेंशन का ही रोल समझ लीजिए कि वो डिसिप्लिन जहां बैठा कि रियाज करना ही पड़ेगा अब एक जगह ऐसे हुआ कि आकाशवाणी का प्रोग्राम था और कुछ खास नहीं बजी बहुत बुरा हुआ टू बी ऑनेस्ट बट मैं पॉलिश uh, कह रहा हूं कि कुछ खास नहीं बजी थी तो शाम को माँ ने कभी डांटा नहीं दोनों ने भी कभी नहीं डांटा मुझे uh, इतना ही बताया कि uh, रियाज हुआ नहीं था इसलिए शायद ऐसे बजा होगा। बस इतना बोल के वो चुप हो गए और वो मेरे जगह में क्या नहीं डांटने का जो असर पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है डांटने से क्या बच्चे छुपाने लगते हैं फिर जो नहीं डांट के जो उन्होंने मुझे खोल दिया ना दिमाग को वो अलग ही हो गया तो तब से फिर रियाज की इंपॉर्टेंस समझ में आके नहीं करता था मैं एक तो मैं रियाज करता था ताकि मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े जब भी दोनों बात करते थे कि अरे इसके हाफ अली में कम मार्क्स आए तो फिर मैं तुरंत तानपुरा ऑन करके अपना बैठ जाता था तो बोलते कि अच्छा रियाज पे बैठा था कि क्या भी इसको पढ़ने मत बोलना नहीं तो मेरे ऊपर वो आफत आएगी कि अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम्हारे मार्क्स कम आए जो भी सो आई वुड एक्चुअली मेरा रियाज का ये स्केप था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं हो सो डिसिप्लिन आता गया आई थिंक इट्स द कल्चर द गेम इट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग ट्रूथफुल बींग अनेस्ट विद वॉट यू डू उसकी एक uh, क्या कह सकते हैं उसमें एक सादगी चाहिए उसमें एक बहुत प्योर सरेंडर चाहिए उस चीज को उन्होंने सबकॉन्शियसली मुझे बताया बाई बींग हुर ऐसे बताया नहीं उन्होंने क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था वो लोग नेचुरली थे ही वैसे तो शायद वहां से आया है वो बट यस डिसिप्लिन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लस मेरा डरपोक होना बचपन में दो बार खेल के समय मेरा मेरे दोनों हाथ टूटे हैं एक वो राइट रिस्ट टूटा था फुटबॉल के टाइम और एक बार पेड़ चढ़ के पेड़ से गिर गया तो लेफ्ट रिस्ट उसके पहले टूट गया था तो वहां से भी थोड़ी बहुत पस्ती तो मैंने भी की थी पर वहां से वो बैठ गया कि नहीं बजा नहीं पाऊंगा मैं आई टू बी ए क्रिकेटर मैंने स्कूल में क्रिकेट रिप्रजेंट रेप, रेप, किया था पर वही बात हो गई कि बजा नहीं पाते तो फिर मैं शायद क्रिकेटर होता अगर मैं बजाता नहीं तो बट वो भी रह गई बात प्लस ये जेलस जो स्कूलमेट्स थे उनसे बुलिंग बहुत हुआ है मेरे ऊपर तो वो सारी चीज़ों के असर से ना मैं सिकुड़ा नहीं बल्कि आई टू बी लोनर एंड मेरे साथ मेरा म्यूजिक ही था जो भी था प्लस सुनना और कैसेट्स और ये वो सब वही उसी में रह गया मैं एक्चुअली याद जो आप अपनी सारी बचपन की पोल खोल रहे हैं जब ये इंटरव्यू आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा वो बात थी कि उन्हें सारी बातें तो... पता थी दोनों ने मतलब पिताजी भी माँ भी माँ तो अब नहीं रही पर उनसे कोई जबकि क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड मेरी एक ही बनी जो अभी मेरी पत्नी है पर वो भी विषय मैंने घर पे तुरंत खोल दिया था कि ये है अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता पर ये है तो मैं, उनसे कभी वैसे तो ही थी उनसे आ, तो ये सारी बातें वो तो जानते ही है एक्चुअली वो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बचपन का एक किस्सा एक बार वो नहाने चले गए बिना बताए घर पे नदी में तो उनके पिताजी जब आए उन्होंने पिटाई करना शुरू किया तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा सिवाय यही कहा कि अगर तुम डूब जाते तो गायक कैसे बनते आहा, तो, आहा, तो, आहा, तो, तो, वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि कि डर था हाथ टूट गया तो बजाऊंगा कैसे बिल्कुल ये, ये डर नहीं है कि हाथ टूट गया तो मेरे मेरा फिजिकल क्या नुकसान होगा वो वो तो सेकेंडरी है या शायद और बात में है पहला डर इस बात का है कि बजाऊंगा कैसे वही उसी पे याद आ गया और दूसरा राजन साजन जी में राजन जी कहते थे हालांकि राजन जी दुर्भाग्यपूर्ण अब नहीं रहे हमारे बीच कि संगीत सीखने वाला आदमी कभी अपराधी नहीं हो सकता आप संगीत अगर उसने संगीत सीखा है तो वो कुछ भी कर सकता है अपराध नहीं कर सकता और मुझे लगता है पिछले दो ढाई सालों में अश्विन जी कुछ नहीं तो मैंने ढाई सौ तीन सौ शायद इससे ज्यादा ही मतलब मैं अभी तुरंत जोड़ नहीं पा रहा हूं उतनी तेजी से जितने कलाकारों से मैंने बात की है अब तो मुझे लगता है कि ये ये बात पूरी दुनिया को समझनी चाहिए सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को समझनी चाहिए कि जो हमारा आचरण है हमारा जो बिहेवियर है उसमें म्यूजिक का रोल क्या है अगर हम म्यूजिक सिखाएं तो क्या हम समाज में जो तमाम विसंगतियां हैं जिसमें अपराध है जिसमें तमाम सारी चीजें हैं क्या हम उससे अपने आने वाली पीढ़ी में बच्चों को बचा सकते हैं ये एक बहुत नई और बहुत फ्रेश डिबेट हो सकती है जिसको समझाने की जरूरत है आम लोगों को खैर बिल्कुल नहीं ये तो बात हम लोगों में भी बात होती है मैंने नीलाद्री भाई से भी जब बात किया था या कौशिकी जी से बात की तो हम लोगों में ये मत तो है कि एकेडमिक में मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स में म्यूजिक को क्ला, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को अगर साउथ इंडिया है तो कर्नाटक म्यूजिक और नॉर्थ है तो फिर हिंदुस्तानी संगीत को स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया दिया जाना चाहिए यदि मैं ये मानता हूं कि हर हर व्यक्ति सुरीला नहीं हो सकता कि पैदाइशी सुरीला हर आदमी नहीं होता पर उसके थियोरी के अंडरस्टैंडिंग से जो फिलोसॉफिकल ज्ञान जो मिलता है और उससे जो कल्चर हमें जागरूक होता है उसके अंदर से एडिशनल जो चीजें होती हैं वो बहुत सारा कुछ अपने पर्सनालिटी में उस चीज को बदलाव अच्छे तरीके अच्छे तरह से बदलाव ला, लाया जा सकता है उससे ये बहुत ये तो गारंटी है इसमें कोई शक ही नहीं मैं ये नहीं कि मैं म्यूजिशियन हूं और मुझे बताना चाहिए ऐसा कुछ नहीं दिस इज कॉमन सेंस मेरे हिसाब से बीइंग अ म्यूजिशियन मैं ये खुद से मैंने अनुभव किया है इस चीज को और मेरे आसपास के लोगों में मेरा बचपन का दोस्त अभी भी मेरे बहुत खास है काफी सालों से मिले नहीं पर उस टाइम पे वो एकदम कर्ण कठोर एकदम जीरो टोन डेफ पर मेरे साथ रह रहे के ना उसके अंदर पर्सनैलिटी की चेंज आई वो रिदम में बहुत स्ट्रांग होने लगा था एक तरफ वो तो म्यूजिकली चेंज हो रहा था पर उसमें एज अ ह्यूमन वो चेंज होते गया और उस, उसने बताई भी ये बात कि यार ये आई वॉज नॉट लाइक दिस मैं शायद पहले चीटिंग करता था एग्जाम में या अब मेरा मन नहीं करता ये चीज़ करने का सो वो जो बदलाव है वो शायद म्यूजिक की वजह से हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ मी बट वो मेरे जरिए म्यूजिक की वजह से हुआ है सो so, ये मैं बहुत मतलब इसमें कोई संकोच ही नहीं है कि डाउट ही नहीं है कि ये तो है ही बात सच आपकी मेन स्ट्रीम अकेडेमिक्स में म्यूजिक होना ज़रूरी है क्लासिकल म्यूजिक ये बाकी नहीं क्लासिकल म्यूजिक एक हद तक फोक होना चाहिए फोक की कल्चर जो जहाँ जहाँ लोकल स्कूल्स हैं उस प्रांत के जो लोक संगीत है वो भी होना चाहिए और अगर सीरियसली म्यूजिक सीखें तो हमें कहा जाता है कि हर चीज सीखनी चाहिए कि गाना भी सीखो वाद्य भी सीखो और ताल भी सीखो ताल वाद्य भी सीखो ताकि तीनों का संपूर्ण ज्ञान एक पद बनता जाए और जो भी आप आपकी चॉइस हो अगर आप गायन चॉइस कर रहे हैं या वादन चॉइस कर रहे हैं तो या तबला चॉइस कर रहे हैं तो आपको बाकी दोनों डायमेंशंस का ज्ञान होता है उससे अलावा पोएट्री सीखना बहुत जरूरी है पोएट्री हमारी लिटरेचर और जितनी भाषाएं हम सीख सकें वो भी जरूरी है मैं खुद सात भाषाएं बोलता हूं उससे मेरे अंदर जो पर्सनालिटी की जो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हुई है इट्स मैं बहुत बड़ा श्रेय उसको देता हूं कि मेरे लैंग्वेज के नॉलेज की वजह से वो हुआ है सो ये दोनों चीजें पोएट्री और लैंग्वेज ये बहुत जरूरी है लैंग्वेज पहले फिर पोएट्री ऑफकोर्स लैंग्वेज आए तो फिर पोएट्री भी आ जाएगी पर ये बहुत जरूरी है साहित्य कविता मोर इम्पोर्टेंट साहित्य तो है कविता पोएट्री जरूरी है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा रागिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप वक्त हो तो तुरंत देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे